तो वहीं जयपुर के श्याम नगर में 5 दिसंबर को हुए गोगामेड़ी हत्याकांड के मामले में पकड़े गए शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी सहित अन्य आरोपियों की रिमांड अवधि पूरे होने पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज कोर्ट में पेश करेगी। एनआईए ने 4 दिन पहले ही गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में जुड़ी फाइल पत्रावली और आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लिया था। बाद में एनआईए ने इस केस में मदद के लिए पुलिस मुख्यालय और कमिश्नरेट से टीमें मांगी थीं ताकि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के साथ साथ संदिग्धों की धरपकड़ भी की जा सके। उक्त प्रकरण की जांच के लिए ईडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आज गोगामेड़ी के हत्यारोपियों की कोर्ट में पेशी है, एनआईए ने उन्हें अपनी कस्टडी में लिया था, क्या लगता है कि आज पेशी होगी या एनआईए और वक्त मांगेगा? सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले को लेकर राजस्थान पुलिस की एसआईटी के साथ ही एनआईए टीम जांच कर रही है। राजस्थान पुलिस की ओर से गठित एनआईए टीम ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। वहीं उस प्रकरण की जांच के लिए एनआईए ने भी राजस्थान पुलिस का सहयोग मांगा है। बीते 11 दिसंबर को इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां आज के लिए शूटर नितिन और रोहित के साथ ही उनका मददगार उधम के साथ अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड मांगा था। आरोपियों को 18 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया था। रिमांड के दौरान तमाम आरोपियों से अलग अलग पूछताछ कर सामने आए तथ्यों को सामने बैठा कर पुख्ता किया गया है। साथ ही माना जा रहा है कि आज भी इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और एनआईए की ओर से कुछ आरोपियों को आज रिमांड पर और मांगा जा सकता है, क्योंकि इस मामले में पूरी जांच की जा रही है। हथियार जिस तस्कर ने मुहैया कराए थे वो मौके से फरार हो गया था, तो ऐसे में महेंद्र की भी तलाश की जा रही है। तो माना जा रहा है कि शूटर के साथ कुछ और आरोपियों को आज रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जा सकती है। यही सुरक्षा देखते हुए एनआईए की ओर से भी इन आरोपियों को आज न्यायाधीश के सरकारी निवास पर ही पेश कर जो है रिमांड मांगा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी उनके निवास पर पेश किया गया था। सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस जाब्ता अदालत को परिसर में ना लगाना पड़े, इसी के चलते उनके निवास पर पेश किया गया था। यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सुरक्षा को देखते हुए आज भी एनआईए टीम इन आरोपियों को मजिस्ट्रेट उनके निवास पर पेश कर रिमांड पर मांग सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। श्री माधोपुर थाना अंतर